हाय दोस्तों, मैं ऋषिकेश गौतम। तो कैसे हैं आप लोग? और ये हमारी बहन है सुप्रिया, जिस दिन वो इसका साथ वीडियो बनाया था वो बहुत अथवा हो गया था। तो देखो आज भी लड़ाई कर रही है, बोल रही है कि भैया आप नहीं आएंगे। तो यार वो चली गई, वो सुनी नहीं। तो बड़ा सा प्यार मिला यार आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का, इतना ज़्यादा प्यार मिला कि कहने को नहीं। और देखो अभी मैं घर पर ही हूँ, और ये जो आदर्श राव बोला था नर्मदापुर, बताना चाहता हूँ ये कौन है। ये हमारे चाची जो है मझली चाची, उनके भाई का लड़का है, और ये यहीं पर रहकर पढ़ता है। इसका घर है दूर, वहाँ पर स्कूल बड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पर नदी है तो यहीं पर रहकर पढ़ता है। तो आदर्श पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई ठीक होती है। ठीक होती है। वीडियो तुमको अच्छा ही बताओ, रुको एक सेकेंड। तो वहाँ पर तुम्हारे गांव कैसी पढ़ाई होती थी? वहाँ पर भी ठीक होती थी। वहाँ पर भी ठीक होती थी। इसके गांव में 1 से 5 तक ही स्कूल था, वहाँ तक पढ़ा, फिर यहाँ पर 6 भी आगे नाम लिख पाया। वहाँ स्कूल नहीं था, इसीलिए यहाँ अपने बुआ के पास आकर रहता है, अपने मतलब हमारे चाची के घर रहता है, हमारे यहाँ नहीं रहता है, चाची का घर है। तो दोस्तों वीडियो पे आज बनाने का पर्पज़ यही था कि यार बहुत अब लोगों का प्यार मिला, बहुत ही प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं कह नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन एक बात थी आप लोगों से कि आप कमेंट करें हमारे चैनल पे कि वीडियो या जो देखता है अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें कि क्या कमी है, किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए। अभी तो हमारे नज़रिए से तो बहुत कमी है, मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। ब्लॉगिंग की तरह से एक चैनल बनाया हूँ तो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो शायद वो सामग्री ना दिखा पाऊँ जो दिखा पाते हैं लोग। बस अपनी बहनों के साथ ही वही वीडियो बना लेता हूँ, ये भाई के साथ है। तो भाई वीडियो देखते हो जी तुम? यस। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। किसका वीडियो? आपका। हमारा वीडियो देखता है, ज़्यादा है नहीं, इतना बनाया था इसके साथ, 2 वीडियो तो इसी के साथ था और नानी के यहाँ बनाया था। तो तुम्हारा घर कहाँ है आदर्श? नर्मदापुर। नर्मदापुर है। पढ़ने का रूटीन बताओ कि लोगों को जो मतलब पढ़ना चाहिए, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कि कैसे पढ़ाई होता है, मतलब यार पढ़ने में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं छोटे छोटे, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई बात बताओ जो पढ़ सके, जो पढ़ने ना जाते हों। ये डेली जाता है यार स्कूल, कई बार जगह के लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए शायद ये मोटिवेट बन जाएगा। मतलब पढ़ने का इसका मन भी था तब भी ये यहाँ पर आया। तो क्या कहना चाहोगे आदर्श, जो लड़के नहीं जाते पढ़ने उनके लिए? नहीं बोल पाएगा, लेकिन इसका रुचि है पढ़ने में यार, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा बालक है, पढ़ने में बहुत ही इसका मन लगता है। तो जो बच्चे या जो भाई वीडियो देख रहा हो, अपने घर के बालकों को, अपने बहनों को खूब सारा प्यार दे, उन्हें दुलारे, और उन्हें जो बड़ा है वो घर में पढ़ाए जो खाली समय मिलता है, और बोले कि पढ़ने जाने के लिए यार 2 साल लॉकडाउन में बर्बाद हुआ, इसका भी 2 साल गए थे पढ़ने? नहीं ना गए पढ़ने, घर पर पढ़ाई किए, ट्यूशन करता था, ट्यूशन में करता था। लेकिन अगर लॉकडाउन अगर नहीं लगता तो इस साल कितने में रहते तुम? 8 में। अच्छा 8 में रहता यार, अभी 6 में पढ़ रहा है, बताओ 2 साल का गैपिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो लॉकडाउन में नहीं गए होंगे पढ़ने, और 2 साल बाद 2 साल का गैपिंग कर लिए होंगे, तो फिर से 6 में मान लो पढ़े रहे होंगे, या किसी का गैपिंग के बावजूद मन नहीं लगा हुआ कि यार क्या जाए पढ़ने, तो वो बच्चे कृपया पढ़ने जाएँ, पढ़ाई लिखाई किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा यार। ज़िंदगी में देखो ठीक है जैसे चल रहा है चल रहा है, लेकिन पढ़ाई आज की दुनिया में अगर पढ़ लिख लोगे तो अपना हक अधिकार मांग सकते हो, अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो हक अधिकार किसी से लड़ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हो ना यार। जो जो जितना में दे देगा उतना में कर लोगे, दुनियादारी का नॉलेज तो कम से कम हो जाएगा।
तो अपने जो भाई बहन देख रहे हैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। हैं, 2 साल का गैपिंग हुआ था तो उसमें कई बच्चे नहीं जाते होंगे, और वो तो ठीक है, मतलब जो पढ़ाने जाते हैं वो ठीक है, जो अगर आपके आस पड़ोस या आपके रिलेशन में कोई नहीं जाता है तो उनको भी मोटिवेट करें कि पढ़ने जाएं। बच्चे यार पढ़ने जाते हैं। अभी हमने कई जगह देखा कि इसके उम्र का या इससे 1-2 साल बड़े लड़के होटल पर जाकर काम करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो कुछ मजबूरी होता है उनके माँ बाप, और वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके गांव में जो हो ऐसा काफ़ी होता है, ऐसे लड़के जाते हैं जो देहात के एकदम, जैसे हमारा ज़िला आउट एकदम पड़ता है, आदिवासी ज़िला है सोनभद्र ज़िला, तो यहाँ पर काफ़ी बाल श्रमिक हैं, मतलब 18 साल से कम के बच्चे होटल पे आपको कहीं नहीं मिल जाएंगे काम करते हुए, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है यार। तो अगर कोई है, हम तो कई जगह गए तो मोटिवेट किए, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन आपको कोई लगे कि यार अभी इसके साथ मैं मोटिवेट कर दूँ, बात कर दूँ उसको, उसके माँ बाप को समझा दूँ कि पढ़ाई लिखाई पढ़ने लायक है, पढ़ने में मन है, तो आप ज़रूर उसके घर जाकर बताएं। और हम, मैं जिससे भी मिलता हूँ यार, सही बता रहा हूँ, जिससे भी मिलता हूँ कि मतलब जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो उसको बोलता हूँ कि उसके मम्मी पापा को बोलता हूँ कि आप पढ़ाइए बच्चे को, यहाँ काम पर मत भेजिए, वैसे वैसे, मतलब हमेशा मेरा पढ़ाई के प्रति बड़ा रुचि रहा है यार, अभी पढ़ता हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो काम करते हैं उसको देखता हूँ जो पढ़ नहीं रहा है, तो बड़ा दुखी होता है। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों को देखें तो उनको प्रोत्साहित करेगी पढ़ने के। हमारी बहनें हैं, चाचा की लड़कियां हैं, तीनों जाती हैं पढ़ने, ये जाता है, इसकी भी बहन है, इसके 2 छोटे भाई बहन हैं वो भी जाते हैं पढ़ने, और हमारे मामा की लड़की जो वीडियो बनाया था उसमें मामा के 3 लड़की और भी लड़के हैं वो भी जाते हैं पढ़ने। तो पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई करना चाहिए, कम से कम 12 तक तो पास कर देना चाहिए यार। उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था भी की है, हैं, ऐसा नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और पढ़ा लिखा ही व्यक्ति, कोई आपका ऐसा व्यवस्था हो गया है कि जिसका बाप राजा है तो वही लड़का राजा बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो लिखोगे तो आप भी मतलब DM कलेक्टर कुछ भी बन सकते हो, क्यों अगर सही ना, पढ़ो लिखो रहोगे तो अदर बन सकते हो ना, DM तुम भी। तो पढ़ाई लिखाई कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में? बहुत इम्पोर्टेंट है। आदर तो बोल रहा है। तो यार भाइयों, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादातर मोटिवेट कराइए, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब यार आपने भी बहुत किया, बहुत मैं खुश हूँ, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि कैसा वीडियो बन रहा है हमारा, हैं, और ब्लॉगिंग बनाता रहूँगा आगे, कैसा है ब्लॉगिंग, अपने घर परिवार के बारे में बताऊँगा कि कैसे दिनचर्या होता है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी देखो मौसम कैसा है, अभी का मौसम बारिश, शाम का मौसम है, बारिश हो रहा है धीरे धीरे, पूरा बादल छाया हुआ है, और 4-5 दिन हो गया था हमको, बीच में हम कहीं चले भी गए थे यार, झारखंड गए थे, झारखंड का वीडियो आपको बनाकर डालूँगा ज़रूर, मतलब बनाया हूँ यार, बना के डालूँगा नहीं, बनाया हूँ उस वीडियो को डालूँगा, तो आप देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।